चलो दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों का एक ही टेक्निकल चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज आपको 13,000 के अंदर आने वाले बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बताने वाला है। पहले स्मार्टफोन की बात करें तो आता है रियलमी की तरफ से। आप रियलमी का स्मार्टफोन देख रहे हो, जब आपको 64 मेगापिक्सल का आपको ऑलरेडी कैमरा मिले जो आपको 30,000 के अंदर मिल जाए, तो आप रियलमी 7i को परचेस कर सकते हो। इसका बेस वेरियंट आपको 12,000 में मिल जाएगा। यह स्मार्टफोन आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक साइड में आपको क्वाड्रेंट कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। उसी के साथ आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, उसी के साथ आपको यहाँ पर मैक्रो लेंस देखने को मिलता है, और आपको और एक अलग से एक लेंस देखने को मिलता है, और आपको यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का यहाँ पर क्वाड्रेंट कैमरा है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो आपके पास सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जिससे आप अच्छी खासी फोटो क्लिक कर सकते हो। और बैक साइड में आपको क्वाड LED फ्लैश भी देखने को मिलते हैं। अगर इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो तो इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो आता है सैमसंग की तरफ से। अगर आपको एक सैमसंग का स्मार्टफोन जो है, जहाँ पर आपको 12,000 के बजट में आपको परचेस करना चाहते हो, तो सैमसंग गैलेक्सी M21 को परचेस कर सकते हो। इस स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर बैक साइड में 4.5 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर सेंसर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको प्राइमरी लेंस है, उससे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसी तरह से आप सेल्फी में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जैसे आप अच्छी खासी फोटो क्लिक कर पाओगे। अगर इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो, इस स्मार्टफोन को आप अमेज़न से परचेस कर सकते हो। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो आता है वीवो की तरफ से वीवो Y20। इस स्मार्टफोन की बात करें तो इस स्मार्टफोन आपको 13,000 के अंदर मिल जाएगा, जहाँ आपको बैक साइड में ट्रिपल रेयर सेंसर देखना मुझे यहाँ पर 13+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर सेंसर है। उसी के साथ ही सेल्फी कैमरा की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलते हैं। आपको तो बताइए कि वीवो के स्मार्टफोन में आप अच्छी खासी फ़ोटो क्लिकिंग कर सकते हो, और आप ज़्यादा बाहर घूमते हो और आपको फोटोग्राफी की शौक़ है, तो इस स्मार्टफोन का आप परचेस कर सकते हो। ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों साइड से मिल जाएगा। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो आते हैं मोटोरोला की तरफ से। और आप एक मोटोरोला का स्मार्टफोन देख रहे हो, जहाँ पर आपको लगता है कि मोटोरोला का स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, तो आप मोटोरोला G9 Power को परचेस कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मोटोरोला का स्मार्टफोन देखते हो 12,000 के अंदर, जहाँ पर किसी भी स्मार्टफोन को 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को नहीं मिलता है, इस स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड्रेंट कैमरा देखने को मिलता है। उसी के साथ आपको और अच्छी खासी सेल्फी के लिए 64 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और इस स्मार्टफोन का परचेस करना चाहते हो तो इस स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। ये स्मार्टफोन आपको 12,000 के अंदर मिल जाएगा। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो आते हैं Xiaomi की तरफ से Redmi Note 9। इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड्रेंट कैमरा देखने को मिलता है, और आपको सेल्फी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर 48+2+8+2 का क्वाड्रेंट सेंसर है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है, जो आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। जैसे आप अच्छी खासी फ़ोटो क्लिक कर पाओगे, आप रेडमी का स्मार्टफोन देख रहे हो, तो आप Redmi Note 9 इस प्राइस के अंदर परचेस कर सकते हो। ये आपको वैल्यू टू मनी स्मार्टफोन हो सकता है। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो आते हैं ओप्पो की तरफ से। आप ओप्पो का ये स्मार्टफोन देख रहे हो 12,000 के अंदर, जब आप अच्छी खासी फ़ोटो क्लिकिंग कर पाओ और आप अच्छी खासी फ़ोटो निकाल सकते हो, तो आप Oppo A54 को परचेस कर सकते हो। यह स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में आपको क्वाड्रेंट कैमरा देखने को मिलता है, उसी के साथ आपको यहाँ पर अच्छी खासी सेल्फी भी देखने को मिलती है। इस स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो, और आप अमेज़न से भी परचेस कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन की बात करता होगा, आपको यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सेल्फी के अंदर मोड देखने को मिलते हैं, जिससे आप सेल्फी भी अच्छी खासी क्लिक कर पाओगे। उसी तरह आपको फ्रंट कैमरा में यहाँ पर अलग अलग मोड देखने को मिलते हैं, जिससे आप अलग अलग तरीके से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।